فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرين إكرام आज की इस नशिस्त में कुर्बानी के मुतालिक एक अहम मसला कि कुर्बानी का वक्त कब है उसकी इब्तिदा कब होती है और उसकी इंतहा का वक्त कब है यानी एक इंसान कब से कब तक कुर्बानी के इस अमल को अंजाम दे सकता है कुर्बानी के वक्त के ताल्लुक से कि उसका वक्त दस जिलहिजा के दिन ईद की नमाज अदा कर लेने के बाद से शुरू होता है दस जिलहिजा के दिन एक इंसान जब नमाज ईद अदा कर ले उसके बाद वो कुर्बानी के इस अमल को अंजाम दे सकता है कुर्बानी कर सकता है आइए इस सिलसिले में सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने पेश करूं हजरत जुंदम बि सुफियान बयान करते हैं कि कुरबानी के मौके पर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अभी नमाज से फारिग ही हुए थे कि आपने उन जानवरों का गोश्त देखा जिन्हें आपके नमाज से फारिग होने से पहले कुर्बान कर दिया गया था यानी अल्लाह के रसूल सल्लम ने नमाज खत्म नहीं की थी उससे पहले कुछ लोगों ने जानवरों को कुर्बान कर दिया था और उनको जबह कर दिया था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान कान ने ने का न जबह उदू कबल असली फलियस बह मकान उखरा वमन का नलम यस बह फलियस बह बिस्मिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुर्बानी का जानवर नमाज ईद से पहले उसको जबह कर दिया है ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही जबह किया है तो उसे चाहिए कि वो उसकी जगह दूसरा जानवर जबह करे उसकी जगह दूसरा जानवर जबह करे वमन का नलम यज्बाह और जिसने जबह नहीं किया है नमाज पढ़ने से पहले जिसने जबह नहीं किया है फल यजबाह बिस्मिल्लाह तो उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह कर दे तो मेरे भाइयों इससे चीज़ हमें पता चलती है कि कुर्बानी का जो वक्त है वो ईद की नमाज के बाद से शुरू होता है ईद की नमाज अदा कर ले उसके बाद कुर्बानी कर सकते हैं और जो शख्स ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी कर ले उसकी कुर्बानी सही और दुरुस्त नहीं होती है आइए इस सिलसिले में मुस्लिम की एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मह फ़िन नमा ज़बहली नफ्सी व मन बला फ़कद तम मनुसुकु व सुन्नतमसलम के जो शख्स नमाज ईद से पहले कुर्बानी करता है जो शख्स ईद की नमाज अदा करने से पहले कुर्बानी करता है फिन नमा जब हाल नफसी तो उसने अपने लिए कुर्बानी की है उसने महज अपने लिए गोश्त खाने के लिए एक जानवर को आम जैसे इंसान बह करता है तो बिल्कुल उसने उसी तरह अमल किया है अमन जब सलाह और जिसने नमाज अदा करने के बाद ईद की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की फ़कद तम मानुसुखा तो उसने कुर्बानी को पा लिया उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई वह असाबसन्नतमुसलिमिमिन और उसने मुसलमानों के तरीक़े को पा लिया जो शरीयत का तरीक़ा है उसने उसने उसके मुताबिक कुर्बानी के इस आमल को अंजाम दिया तो मेरे भाइयों तमाम तमामा का इस बात पर इतफ़ाक़ है कि कुर्बानी के वक्त की इब्तिदा ईद के नमाज के बाद से होती है अब रही बात कि उसकी इंतहा कब तक है यानि एक इंसान कुरबानी कब तक कर सकता है तो इस सिलसिले में आखिरी वक्त जो है वो अयाम तशरीक का आखिरी दिन यानी अयाम तशरीक दस जिलहिज्जा के बाद के मज़ीद तीन दिन ग्यारह झीलजा बारह झीलजा और तेरह जा के सूरज गरूब होने तक एक इंसान कुर्बानी के इस अमल को अंजाम दे सकता है अल्लाह के रसूल की हदीस है कुल अयाम तशरी़ब के अयाम तशरी मुकम्मल ज़बह करने के दिन है, तो एक इंसान ईद की नमाज़ के बाद से लेकर अयाम तशरी के मजीद तीन दिनों तक और तीसरे दिन सूरज ग्ररूब होने तक क़ुरबानी कर सकता है तो ये कुरबानी के वक्त के तल्ल से कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने किताब सुन्नत की रोशनी में बयान की अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुर्बानी को कुर्बानी को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ